चाहिए क्या? खरीदारी की ट्रे सजाएंगे विभु आप इन्हें? हाँ बिल्कुल, जो हिसाब से जो फंडामेंटल यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि यूएस का वेदर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जो कंजम्पशन नेचुरल गैस की बढ़ सकती है। गैसोलिन की इन्वेंट्री हालांकि काफ़ी कम हुई थी, अगर पिछले गैसोलिन या क्रूड की इन्वेंट्री की बात करें जल्दी जल्दी तो सुनाओ। उसमें भी यहाँ पे पिछले 5 हफ्तों में ऑलमोस्ट 30 मिलियन बैरल का ड्रॉपफॉल हमने देखा हुआ था, तो वो चीज़ भी थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्टिव बन रही है एनर्जी पैक के लिए। जो स्टॉक्स नेचुरल गैस का है उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी एक ड्रॉडाउन देखी है पिछले, अगर 1 या 1.5 महीने की बात करेंगे तो ये कुछ चीजें मुझे अभी भी लग रही है कि सपोर्टिव रहेगी नेचर गैस के लिए। इंट्राडे के लिए यहाँ पे 273 275 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके ऊपर क्या बाई करके चलना चाहिए 270 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में मुझे 280 से 81 का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए ये सलाह फिलहाल आपको, ये इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी आपको विभु ने सुझाई है नेचुरल गैस में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद लेंगे कमोडिटी से जुड़े आपके कुछ और सवालों के जवाब। वेलकम बैक। राजेश जी ने हमें एसएमएस भेजा। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। नमस्कार राजेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 4 लॉट क्रूड पे खड़े हैं 6,000 के भाव से। अच्छा, 6,000 के भाव पे लिए हैं आपने, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब नीचे में एवरेज करूँ या फिर मैं ऊपर आके मतलब बेचूँ अपने भाव के रेट से ऊपर आए तो। विभु क्या सुझाएंगे इन्हें? क्रूड में मुझे लग रहा है कि 5,820 और 5,800 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। फिलहाल आप इतना यहाँ पे वेट किए तो मेरे हिसाब से आप 5,800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। 5,800 के नीचे अगर ये बंद देता है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 100 से 150 रुपये की और भी हमें मंदी देखने को मिलेगी, तो उसके नीचे बिल्कुल आप एग्जिट कर लीजिए। बट फिलहाल यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए 5,800 स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 5,800 का एक स्टॉप लॉस बनाकर बने रहे अपनी पोजीशन में, ये सर आपको फिलहाल दे रहे हैं विभु। और अगले दर्शक हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी नमस्कार, बताइए किस कमोडिटी में पैसा लगाया है? सोयाबीन में लगाया था मैम, 2 महीने में क्या देखने को मिलेगा? आपके पास फिजिकल में है मुकेश जी? हाँ जी। अच्छा, तो फिजिकल में इन्होंने फिलहाल ली हुई है सोयाबीन, 2 महीने का नजरिया रखते हैं ये, क्या करना चाहिए मनोज जी ने? बिल्कुल, अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी भी जो है सोयाबीन के फंडामेंटल्स कमजोर ही है। आज हमने CBOT को जो है लगभग $13 के नीचे आते हुए देखा है, और भारतीय बाजारों की बात करें तो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में अब 3620 का एक लास्ट जो है सपोर्ट कह सकते हैं वो बना हुआ है। 2 दिन में USDA का रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, अगर USDA का रिपोर्ट में अगर साउथ अमेरिका का जो है प्रोजेक्शन बढ़ के आता है प्रोडक्शन का, तो फिर इनको अपनी बाइंग की पोजिशन एग्जिट कर देना चाहिए। और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक 3620 का अगर फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, अगर उसके नीचे कमोडिटी फिसलती है तो फिर इनको अपनी बाइंग पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि 3620 के नीचे जाने पर जो है ये कमोडिटी एक बार बिल्कुल पोजीशन इनके फिजिकल में है, फिजिकल में है, तो फिर इनको अगर 3620 के नीचे जाती है तो यहाँ पे हेज करना चाहिए NCDEX पे, ताकि इनको जो है एक्सपेक्टेड जो लॉस है उससे बचा जा सके, और नीचे में कहीं भी 3500 के आसपास प्राइस आवे तो फिर वहाँ पे एक बार पोजीशन वापस से ओपन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको इस तरह से एक हेजिंग स्ट्रैटेजी सुझाई है फिलहाल मनोज जी ने। अगले दर्शक ने SMS भेजा है राजकुमार बत्रा, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने 29,100 पर सेल किया है सोना, और आपको फिलहाल बता दें इनकी स्ट्रैटेजी क्योंकि शॉर्ट टर्म की है, ट्रेडिंग ही करते हैं ये, तो विभु आप क्या सलाह देंगे इनको? बिल्कुल, यहाँ पे गोल्ड में वैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बाउंड मूवी ही मुझे नजर आ रहा है। अगर इंटरनेशनल में 1240-1260 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है 29,350-29,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे में 28,700 का एक सपोर्ट भी बन रहा है। 2 दिन में कल FOMC की मिनट्स भी रिलीज होने वाली है, और ये हफ्ते में नॉन फार्म पेरोल के US के डेटा भी आने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंटली क्लोजली वॉच होगा बुलियंस के लिए। मेरी राय रहेगी आप अपने जो कॉस्ट प्राइस है उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस बन के खड़े रहिए, लंबी यहाँ पे प्रॉफिट की वेट ना करें। अगर आपको वहाँ पे 28,950 के बीच में मिलता है तो वहाँ पे भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर 29,100 का स्टॉप लॉस, जो आपका कॉस्ट प्राइस है जिस पर आपने सेलिंग की है, वो एक स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करें। थोड़ा सा मुनाफा अगर कमाने का मौका मिलता है 28,850 तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ये सलाह आपको विभु दे रहे हैं। अगले दर्शक ने भी SMS भेजा है, और इनके पास विशाल ठक्कर जी अहमदाबाद से, जिनके पास कॉटन सीड ऑयल केक है 3,000 बोरी, तो इनके पास भी पोजीशन जो खड़ी की है फिजिकल में है इनके पास, क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको मनोज जी, किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा कपास कली में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर भी आए हैं?
नहीं, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा है कि ये कमोडिटी में जो है थोड़ा पॉजिटिव रुझान जो है पिछले एक वीक से देखने को मिला है, और प्राइसेस जो है लगभग 6-7% का जो है अपसाइड मूव इस कमोडिटी में हमने एक वीक में आते हुए देखा है। हमने जो 2014 के आउटलुक के बारे में भी उस दिन आपके चैनल पे बात की थी, तो हमने बोला था कि 2014 में ये कमोडिटी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो अगर इनका बाइंग का पोजीशन है तो इनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और कॉटन का एक्सपोर्ट भी आने वाले समय में हमारा मानना है कि और जो है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के प्रयास होंगे। और दूसरी एक मुख्य चीज जो है कॉटन सीड ऑयल केक में इस बार तेजी का जो अंदेशा बनते हुए दिख रहा है, उसके पीछे एक और लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि जो सोयाबीन का क्रॉप खराब हुआ था तो गांव में जो पशुओं को खाने के लिए जो सोयाबीन का जो भूसा रहता है वो इस बार नहीं मिल पाएगा, उस लिहाज से भी ये कमोडिटी में जो है हमारा मानना है कि 2014 के वर्ष में कॉटन सीड ऑयल केक में जो है एक सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। तो अगर इनके पास बाइंग का पोजीशन है तो ये अगले 1-2 महीने के लिए होल्ड करे, यहाँ से 5-7% का अपसाइड मूव और इस कमोडिटी में आने वाले समय में दिख सकता है। बिल्कुल, तो आपने फिजिकल में अगर खरीदारी की है 1-2 महीने आप और रुक सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स इस लेवल से भी देखने को मिलेंगे, तो आप तब अपने फिजिकल की पोजिशन इसमें हल्की कर सकते हैं। अगला SMS गोमती जी ने दिल्ली से भेजा है और चने में 1 महीने की एक पोजिशन बनाना चाहती हैं। हमने चने पर एक स्ट्रैटेजी डिस्कस जरूर की, लेकिन ये जानना चाहती हैं क्या सेल करें और करें तो किन लेवल्स पर, आप इन्हें सुझाएंगे 1 महीने के नजरिए से मनोज जी? चने में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 3000 के नीचे टेक्निकली जो है प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। अगर 2970 का स्तर चना तोड़ता है जैसा कि हमने बताया तो फिर वो क्लियर जो इंडिकेशन होगा फर्दर शॉर्ट जाने का, तो 2970 के नीचे अगर चना जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो फिर ये शॉर्ट जा सकते हैं नीचे में 2850 तक के लेवल के लिए, ऊपर में 3030 का एक इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, चलिए तो आपको ये पोजीशन फिलहाल सुझा रहे हैं। विभू और मनोज जी, आप दोनों का शुक्रिया आज समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, आगे लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।